साला दोनों बाप बेटा मिलके हमको कुदिया का दूध पिला दिया। मार मार हस्त में तुम मार। ए कलवा इसको गाने गया रे। अरे साला जाने का मन नहीं था आज। ए बेटा जाने का मन नहीं था के पिता की दस नहीं गया रे। अरे साला चुपचाप फिल्म देख। हेलो एक्सक्यूज मी विद्यालय काहे नहीं गया रे? वो बाबा मैडम जी का हाइड्रोसिल भर गया है। हॉस्पिटल में मैम आज ऑपरेशन कराने गया है इसलिए छुट्टी है स्कूल में आज। अच्छा अच्छा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन वो भी मैडम का? हाँ पापा। साला झूठ बोलता है रे। साला चूतिया बनाता है रे। मार मार हस्त मैथुन मार। मार मिथुन मार गुंडा सबका कपड़ा फाड़ दे। मार मिथुन मार मार। अरे बापरे 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 बाप बापरे। अरे मार तो मिथुन रहा है आप हमारे आलू को काई चोखा बना दिए। अरे मटका आराम से बैठो। ये पनौतिया को कौन साला घर में घुसने दिया है रे? अरे इस साला को कोई बुलाने थोड़ू ना गया है, साला खुद ही आया है। इस साला हाथ पैर बांध के मार। इस साला जब से आया मिथुन वा को पिटवा रहा है। अरे साला तू जब तक नहीं आया था तो मिथुन उठा उठा के पटक रहा था, जब से तुम आया है तो मिथुन वा को पिटवा रहा है। अरे वो तो सिनेमा है, वो सच में थोड़ी ना पिटवाता है। अरे मुर्गा मुर्गा अरे तुम सबका बाप का खाया है। पकड़ साला के पकड़ के बांध के मार साला के। अरे तुम पकड़ के रखना रे, मैं रस्सी लेके आ रहा हूँ। ठीक है जो जो। अरे मटका रस्सी मिला रे। और मटका बोल बोल। अब बाबू नीतीश रस्सी मिला हो? रस्सी तो नहीं मिला पर इससे काम हो। अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे छोड़ना रे बाबू, अगर हमारा धोती खुल जाएगा तो हमारा काला कोबरा मारा जाएगा। देखना चाहता तुम्हारे घर में रस्सी नहीं है। अरे तुम्हारे रस्सी के चक्कर में हमारे रस्सी का फैक्ट्री खुल जाएगा। छोड़ना बाबू, छोड़ना रे बाबू। तू कुछ और से मार ले, ईंटा पत्थर रॉड कुछ से भी मार ले, लेकिन छोड़ दे बाबू। लाठी डंडा से बाद में मारेंगे चाचा, पहले धोती से बांध के मारेंगे। अरे छोड़ना बाबू, छोड़ना रे, छोड़ना बाबू, हमारा धोती खुल जाएगा। छोड़ना बाबू। अरे तू सब जल्दी से को काहे प्रदान किया हुआ है? रे दो सी बुड्ढा धोती नहीं देगा, बोकरा के छोड़ इकरा के पहले मार। अरे पनौती का जरूरत है हमारे भरा समझने का? कहा हुआ रे, कसीला दौड़ रहा है? अरे पापा वो जगदीश चाचा हमको मारने के लिए आ रहा है, इनका संभाल लीजिएगा। जाओ अंदर। निकल बाहर साला पनौती निकल, आज बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। अजीत भाई आइए खाना खा लीजिए। आज हम तुम्हारे बेटा के बोटी बोटी कर देवे। अजीत भाई दूध भी है पी लिए। दूध भी है? हमको भी दो ना दूध। ठीक है बच्चा समय के छोड़ दीजिए। ठीक है इस बार तो हम छोड़ रहे हैं, अगर अगली बार से ये गलती करेगा ना गांव में लाठी घुसा देंगे। ठीक है हम जा रहे हैं। अरे पापा वो जगदीश चाचा चल गए लड़की। अरे कटोरिया में हम कुतिया का दूध रखे थे, क्या हुआ? इस साला दोनों बाप बेटा मिलके हमको कुतिया का दूध पिला दिया। साला कुतिया का दूध पिला दिया हमको रे। उठ कुतिया का दूध पिला दिया हमको रे। अरे हमें थोड़ी मालूम था कुतिया का दूध पिला दिया हमको रे। सही कह रहे हैं नीतीश बाबू, आपका जो ये लड़का है ना मेरे जैसे चमक रहा है। नीतीश बाबू आपका जो ये लड़का है ना हमें बहुत पसंद आया, जो हीरा जैसे चमक रहा है ये। हमारे बेटे से आपका बेटा का भाग्य खुल जाएगा, आपके बेटा जैसा पूरे जिला जवान में कोई लड़का नहीं रहे। हाँ बेटी बार बार चमक क्यों ले रहा है? कह रहे हैं लड़का पसंद आ गया है तो दिन तारीख धरवा दे। हाँ हाँ उतरवा दीजिए पंडित जी से कह के। ठीक है एप्पल वाला फोन से लगाते हैं, आप तो बाप जन्म में कभी देखे नहीं होइएगा। ना ना हम अपना बाप जिंदगी में नहीं देखे हैं। हाँ एक मिनट रुकिए। से बोला मोबाइल देखे हैं और बोले के बाप जन्म में मोबाइल नहीं देखे। का दोस्त कोई नौकरी वगैरह का इंटरव्यू चल रहा है का? हाँ दोस्त वही कर रहे हैं, बाप का कंपनी छू ना जो घर बैठे इंटरव्यू देंगे। गुस्सा काहे लग रहा है दोस्त? रे साला पनौती हमारा ससुर आया है, नया साली सेठ होने वाला है, तू जाना रे पनौती जा। अरे यार इतना खुशी का बात है तो दोस्त साथ नहीं रहेगा तो कौन रहेगा रे?
अब पूछिए चाचा आपको हमारे दोस्त के बारे में क्या पूछना है। हमारे दोस्त में हीरा है हीरा, इसके जैसा लड़का आपके बेटी के लिए पूरे जमाना में नहीं मिलेगा। जमाना में इसका रंग एकदम पूरा सॉफ्ट है, सॉफ्ट देखिए पूरा काला कलर है, पूरा काला कलर। हाँ बाबू हम तो सब कुछ पूछताछ कर लिए, लड़का हमें बड़ा पसंद है, बस सगुन का पैसा देना है और लड़का छेक लेना है। रुक जा हम अभी पैसा दे देते हैं। हाँ हाँ छेक लीजिए चाचा छेक लीजिए। एक मिनट चाचा, आप लड़का के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन आपको इसका एक गुण नहीं पता है। इक्कल वो हमारा दोस्त है ना, बहुत ही ज्यादा वफादार है, एकदम वफादार, जो वादा कर देता है ना मरते दम तक निभाता है। ये तो बहुत अच्छा बात है बाबू, और बताओ ना बाबू दोस्त के अंदर कितना। कोई बुरा खासियत नहीं है, ना दारू पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना गांजा पीता है, जब तक घर में रहता है, मतलब कि घर के बाहर निकलते ही थोड़ा थोड़ा कभी पी लेता है, गांजा भी पी लेता है, और ये तो सुनिए सिगरेट तो चलते रहता है इसका, और देखिए इसका संस्कार, ये घर में नहीं पीता है। बड़ा बढ़िया संस्कार है तेरे दोस्त के अंदर, और कुछ बताना। संस्कार तो पूछ भी मत कीजिए, इस एक अंदर इतना अच्छा संस्कार है, वो कोठा वाले के साथ छोड़ा है ना, तब तक पैर छू के निकलता है बाहर। बताइए ऐसा किसी के पास संस्कार होगा ही जमाना में? ना ना होना नहीं चाहिए ऐसा, लगा लगा बस संस्कारी है। बैठिए ना, ना हम घर चलते हैं। अरे बैठिए ना, हो ना ना ऐसा जमा है पसंद ही नहीं तो कहा बैठेंगे। अरे नहीं बैठेंगे तो जो नाश्ता खाया उसका पैसा दो। नाश्ता हमारा जो तेल जला के आया जो सारी बेटी चो तू तो साइकिल से आया है, पर मैं क्या चलने लगता है क्या? पापा उसको छोड़िए, इसको पकड़िए, ये रिश्ता तोड़ रहा है।